ये ऐसे स्नो मिलने वाली है, बर्फ का गोला। आज का वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। स्किप करेंगे तो आपका नुकसान होएगा, क्योंकि ये जो एडवेंचर मैं करने आया हूँ इसको आप लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे, इसको आप लोग नहीं देख पाएंगे। इसलिए बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखिए। अगर आप लोग भी स्नो एक्टिविटी करने के लिए मनाली आ रहे हैं तो प्लीज कोकसर में आइएगा, सिसु जाकर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अभी हम रुके हैं बांग में स्नो ड्रेस लेने के लिए, है ना, मनाली में ले हैं। तो यहाँ से स्नो ड्रेस लेके फिर हम सीधा जाएंगे कोकसर। हाँ जी, क्या हाल चाल आप सबके? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज है डे टू मनाली में, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर और एक नए व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो की शुरुआत लाइक करके और कॉमेंट करके कीजिएगा। देखिए 8:30 बज चुके हैं सुबह के, और हम लोग आज जा रहे हैं स्नो एक्टिविटी करने के लिए, जो होती है सिसु में। बट सिसु हो चुका है पुराना, मतलब कि सिसु में अभी बर्फ नहीं है। अभी आपको बर्फ मिलेगी कोकसर में। कोकसर में स्नोफॉल थोड़े दिन पहले हुआ था 29 अप्रैल को, और अभी वहीं पे स्नो एक्टिविटीज़ चल रही हैं एंड वहीं पे आपको बर्फ़ देखने के लिए मिलेगी। अगर आप इस मौसम में मनाली आ रहे हैं तो कोकसर का प्लान कीजिएगा, सिसु का मत कीजिएगा। घूमने के लिए सिसु का कर सकते हैं, क्योंकि सिसु में लेक है बहुत अच्छी, वहाँ पर आप लेक देखने के लिए जा सकते हैं। तो अभी मैं खड़ा हूँ होटल रुद्रा पैलेस के सामने। मैं प्राइवेट बस स्टैंड पे गया था, वहाँ से मैंने एक टैक्सी वाले भाई से बात करी, उन्होंने एक होटल वाले से बात करी, उन्होंने मेरा एक टेम्पो ट्रैवलर में एक सीट की सेटिंग करवा दी। क्योंकि अगर आप मॉल रोड के आसपास होटल लेते हैं तो वो पूरी टेम्पो ट्रैवलर लेके आप सभी को सुबह घुमाने लेके जाते हैं, जो कि आपके पैकेज में इंक्लूड होता है। तो उसमें एक सीट खाली थी, और उन्होंने भाई ने टैक्सी वाले भाई ने मेरे लिए बात करी सीट की, और मुझे एक सीट मिल गई, जिसका मेरे को 800 रुपया देना पड़ा। तो सही हो गया, अगर मैं टैक्सी से जाता, शेयर टैक्सी से, तो 600 रुपये लगते। बट उसमें क्या होता कि वो जल्दी जल्दी करते, यहाँ पे पूरी की पूरी फैमिलीज होंगी साथ में, बहुत मज़ा आने वाला है, फ़न होने वाला है पूरा, क्योंकि आराम से बैठ के जाना, आराम से बैठ के आना, और वहाँ पर घूमते हैं, मस्त इन्जॉय करते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, मिलते हैं आपसे सफ़र में, क्योंकि अब हम जाएँगे सोलांग वैली, अटल टनल, और उसके बाद जाएँगे कोकसर। तो वीडियो में बने रहिएगा और एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा। जिस होटल से अपने को बस लेनी है, टेम्पो ट्रैवलर में बैठ के जाना है, उस होटल का नाम है रुद्रा पैलेस। ये होटल पड़ता है मॉल रोड पे, और इसमें आप रूम भी ले सकते हैं। मैंने टैरिफ पता किया था, 1500 रुपीज़ इसका टैरिफ होता है एक दिन का, पर नाइट का। तो यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं, यहीं से अपने को टेम्पो ट्रैवलर मिलेगा, और अपन लोग जाएंगे कोकसर। मैं विजय भाई का नंबर स्क्रीन पर डाल देता हूँ, जब आप मनाली जाएंगे होटल ट्रैवल टैक्सी कुछ भी आपको जरूरत हो आप उनको फोन कर लीजिएगा। आसमान एकदम नीला है, पहाड़ हरे हैं और वाइट हैं स्नो से ढके हुए। अभी ट्रैवलर में आके बैठ चुके हैं, मॉल रोड से निकल चुके हैं और जा रहे हैं कोकसर की तरफ। बीच में सोलांग वैली रुकेंगे, उसके बाद अटल टनल, फिर जाएंगे कोकसर विलेज। 8:30 बजे में निकला था, 8 बजे में निकला था रूम से, बट बस में पहुँचते पहुँचते 9:30 हो गए। 9:30 बजे निकलते हैं तो थोड़ा ट्रैफिक मिलता है, और सुबह जल्दी निकलते हैं तो ट्रैफिक कम मिलता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितना ट्रैफिक है। 1 किलोमीटर का ऐसा पैच होता है मॉल रोड से निकलने के बाद, जहाँ पर आपको बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है। ये नज़ारा है जी, यहीं से आपको ब्यास में बहती हुई देखने के लिए मिलेगी, साथ में बर्फ वाले पहाड़, देवदार के बड़े बड़े ट्री, और क्लियर स्काई एकदम, जो कि हमें आम शहरों में देखने के लिए नहीं मिलता। एक नंबर व्यू है। NH3 से होते हुए जाएंगे सोलांग वैली, अटल टनल, और साथ ही जाएंगे कोकसर।
अभी खड़ा हूँ मनाली टू लेह हाईवे पे। ये पीछे आपको मनाली की शान बर्फ वाले पहाड़ देखने के लिए मिल सकते हैं। और बांग जगह है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, वहीं से हम ड्रेस लेके जाएंगे कोकसर। ड्रेस लेना इसलिए जरूरी है, बर्फ में जाएंगे, अगर आप एक्टिविटी नहीं भी करते ना, घूमते हैं तो पानी से बचते हैं। कल क्या हुआ था, बारिश हो गई थी, बारिश होने से इतना बारिश आया कि मतलब कपड़े गीले हो गए, तो ठंड से भी बचाएगा वो, स्नो से भी बचाएगा, और जूते भी आपके गीले नहीं होंगे। तो चलते हैं, एक ड्रेस लेते हैं, 250 रुपये उसका रेंट है, जो कि कहीं से भी लेंगे 250 रुपया ही आपको देना पड़ेगा। तो अभी ये हमारे ड्राइवर साहब हैं विजय भैया, जो ट्रैवलर को देख रेख करते हैं, यही हमें लेके जा रहे हैं कोकसर। कहाँ कहाँ जाएंगे भैया हम? सोलंग वैली, अटतनी, कोकसर। अच्छा, और अंजनी महादेव भी तो जाएंगे? अंजनी महादेव जो है वॉकिंग है, वो गाड़ी में नहीं जाएंगे, वहाँ पे आप रोक देंगे, वहाँ से सब पर्सनल अपना वो स्कूटर या घोड़ा गाड़ी लेके जाएंगे। जी सर, जी सर। तो अभी हम रुके हैं बांग में स्नो ड्रेस लेने की। जी सर, है ना, ये पड़ता है मनाली टू लेह हाईवे। तो यहाँ से स्नो ड्रेस लेके फिर हम सीधा जाएंगे कोकसर। कोकसर जाएंगे, ठीक है। तो अभी सबको दुकान दिखा देते हैं जहाँ से हम ये ले रहे हैं। रिकमेंडेड शॉप है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे रेट लिस्ट लगा हुआ है, यहीं से आप ले सकते हैं। मैं यहाँ से लेता हूँ, बाकी जहाँ से आप सभी को लेना हो ले सकते हैं, ठीक है। शॉप नंबर 235 से ड्रेस ले चुका हूँ मैं, कमेंट में बताइएगा कैसी लग रही है। शूज ले इन वाली दीदी से, 100 रुपए का सॉक्स खरीदा विंटर वाला, जो बड़ा मोटा सा ठंड में प्रोटेक्ट करने वाला है। इन वाली दीदी ने मेरे को ड्रेस ट्राई करवाया बड़े प्यार से, 100% रिकमेंडेड है, इतनी दूर जाते लोग यहाँ से ट्राई करके लेके जाएंगे। अभी हम जाएंगे कोकसर, तो आप सभी को मिलते हैं कोकसर, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ में बने रहिएगा। सोलंग वैली पहुंच चुके हैं हम लोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहीं पे सारी एक्टिविटीज होती हैं। अंजनी महादेव भी यहाँ से जाती है, यात्राएं यहाँ से होती है, जिप लाइन भी यहाँ पे होती है, और सामने है बर्फ के पहाड़। बट अभी हम लोग रुकेंगे जाके सीधा अटल टनल, और अभी हम सीधा जाएंगे कोकसर, और आते हुए हम रुकेंगे अटल टनल और सोलंग। और अभी उस पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे जिप लाइन आप एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए नीचे लोग जा रहे हैं जिप लाइन पे, वो देखिए। फाइनली वेट खत्म हो चुका है और हम लोग पहुंच चुके हैं अटल टनल रोहतांग पे, उसके बिल्कुल हम सामने ही खड़े हैं। तो अभी मैं खड़ा हूँ अटल टनल के साउथ पोर्टल पे, इसी के थ्रू जाते हैं स्नो पॉइंट पे कोकसर या फिर सिसु। अभी स्नो आपको देखने के लिए मिलेगी कोकसर में। पहले जब स्नो पॉइंट पे जाते थे सोलंग वैली के थ्रू होते हुए जाते थे ब्रिज से, वो ब्रिज जो रास्ते पे पड़ा था मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से जाते थे कोकसर के लिए या फिर सिसु के लिए। पर जब से ये टनल बनी है अटल टनल, तब से इतना सुख हो गया है जाने के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये और बहुत आसानी से कवर हो जाता है। थोड़े से चंक में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, और फिर थोड़ा सा अंदर चलने के बाद 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम लोग जा सकते हैं। दूसरी बात, अंदर एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, लाइटिंग की फैसिलिटी है, और लेह जाने के लिए 40 किलोमीटर डिस्टेंस इससे कम हो जाता है। और अभी मैं उधर किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि किलोंग वैली में भी एक टनल बनने वाली है यहाँ पे। तो ये टनल बहुत ही अच्छी है हमारे देश की सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि आर्मी के लिए ये टनल बहुत यूज़फुल है, और आम जनता तो खैर घूमने आती है उनके लिए भी अच्छा है, पर आर्मी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। अटल टनल में, अटल टनल के साउथ पोर्टल में मैं खड़ा हूँ। साउथ पोर्टल से एंटर करने के बाद पहुँचते हैं कोकसर, सिसु, लेह, यहीं से जाते हैं, और नॉर्थ पोर्टल पड़ता है दूसरे वाली तरफ। अटल टनल जो कि वर्ल्ड की इकलौती ऐसी टनल है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुकी है, क्योंकि इतने एल्टीट्यूड पर 9.02 किलोमीटर की एक सिंगल वन गो टनल है, जिसमें एक लेन आने के लिए बनी है, एक लेन जाने के लिए बनी है, और जिसके बनने से लद्दाख जाने के लिए पूरे 40 किलोमीटर का हमारे को रास्ता छोटा पड़ता है इसमें। और इस टनल के अंदर रुकना बिल्कुल मना है, आपको वन गो एंट्री लेंगे आप साउथ पोर्टल से,
और नॉर्थ पोर्टल से आपको डायरेक्ट एग्जिट करना है। अगर आपकी गाड़ी में कोई खराबी आ जाती है तो जगह जगह पर इमरजेंसी एग्जिट बने हुए हैं, जहां से आप एक बड़ी गाड़ी आराम से एग्जिट कर सकते हैं। और इसका इनॉग्रेशन किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 अक्टूबर 2020 में। और इसकी जो लागत लगी थी ना भाई, 3200 करोड़ रुपए लगे थे इस अकेली टनल को बनाने में। इसको बनाकर कंप्लीट किया था बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसको प्रो आप देखेंगे लिखा होगा, प्रो इन योर सर्विस ऐसा करके। और अब मनाली से लाहौल स्पीति जाने के लिए इसी टनल का यूज होता है, इसी के थ्रू हम लोग जाते हैं। तो अभी हमने एंट्री की थी साउथ पोर्टल से और हम एग्जिट करेंगे नॉर्थ पोर्टल से। अटल टनल क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं कोकसर वाले रास्ते पे, और एक रास्ता लेह श्रीनगर जाता है और दूसरा रास्ता जाता है काजा की तरफ। अटल टनल क्रॉस करते ही हम दूसरे जिले में पहुंच गए हैं। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से निकलने के बाद हम पहुंच गए लाहौल स्पीति में, और सामने एकदम जो व्यू है ना वो बड़ा भयंकर व्यू है, बड़ा ज़बरदस्त व्यू आ गया है, क्योंकि सामने एकदम बर्फ के पहाड़ हैं। स्नो पॉइंट, जब स्नोफॉल होता है फरवरी में, दिसंबर टू फरवरी में, तो मनाली में ही स्नो पॉइंट बन जाते हैं बहुत सारे, और सिसु जाते हैं लोग देखने के लिए। सिसु में एक मैन मेड लेक है जिस जहाँ पर जाकर लोग पैडल बोटिंग करते हैं, पर अभी जो स्नो पॉइंट बना हुआ है मेन, वो बना हुआ है कोकसर में। तो हम लोग बर्फ के पहाड़ को एंजॉय करते हुए, व्यू को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं कोकसर में। आपको एक बार पूरा व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि मजा तो उसको देखने में ही है। वेलकम स्नो पॉइंट कोकसर, 13 मई 2024। तो अभी हम कोकसर में ड्रॉप ले चुके हैं, अपना ड्राइवर साहब ने हमें यहीं पे उतारा पास पे, और यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्कीइंग, ट्यूब स्लाइड या स्नो स्कूटर वाली, जो भी, सब यहीं से करते हैं। आपको दिखाता हूँ नीचे चल के, क्योंकि यहीं पे देखो, दिखाता हूँ आपको कितनी भीड़ है लोगों। ये सामने लोग अपना स्नो एंजॉय कर रहे हैं और यहीं पे स्कीइंग, आगे वो ट्यूब स्लाइड हो रही है वहाँ पे, और सामने है बर्फ के पहाड़ बड़े बड़े, और सामने से ही एक वाटरफॉल देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये आइस है, पिघल के नीचे आ रही है ग्लेशियर पे से, और सामने बहती है चंद्रा नदी। ये पॉइंट है जहाँ से ट्यूब स्लाइड होती है, और यहाँ से स्लाइड करा के नीचे वहाँ तक आपको छोड़ दिया जाता है, और आप फिसल के ट्यूब पे अपने आप वहाँ नीचे पहुँच जाते हैं। कुल्लू मनाली और यहाँ पर ये भाई है प्रदीप, जो फोटो आपकी बहुत अच्छे से लेंगे, 10-15 पोज आपके फोटो दिए जाएंगे। उसके पास एक रैबिट है, स्नो रैबिट, उसके साथ भी आप फोटो खींच सकते हैं। और ये जगह है कोकसर स्नो पॉइंट, जिला पड़ता है लाहौल स्पीति। ये पीछे आप देखिए, यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। तारीख आज 13 मई। चलो, और अगर आप यहाँ पे आएंगे तो विक्रम भाई से मिलकर फोटो खींचेंगे। विक्रम भाई, अब आपके पास बहुत लोग आए, एक बार दिखा दूंगा। यहीं पर मेरे पीछे लोग स्कीइंग करते हुए ऊपर आ रहे हैं। अभी बर्फ जो है काली हो चुकी है, क्योंकि कल बारिश भी हुई थी, और कल यहाँ पे बहुत ठंड हो चुकी थी और पानी पानी हो चुका था। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे चंद्रा नदी के पास, भीड़ बहुत है, और यहीं पे खाने पीने का अपना अरेंजमेंट है। मैगी मिलती है, राजमा चावल मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। और थोड़ी देर में करूँगा मैं ट्यूब स्लाइड। तो अभी फिलहाल में अगर आप स्नो एक्टिविटी करना चाहते हैं मनाली में, तो आपको कोकसर आना पड़ेगा, क्योंकि सिसु में इस टाइम आपको स्नो नहीं मिलेगी। स्नो मिलने वाली है कोकसर में, जहाँ पर थोड़े दिन तक अभी स्नो एक्टिविटीज चलने वाली है, और सामने ही मेरे बहती है चंद्रा नदी। देखिए, और एक बार भीड़ देखिए आप दोबारा से, कितनी भीड़ है यहाँ पर, जबरदस्त।
तो दोस्तों अभी मैं लेट गया स्नो में, जगह देखी कहाँ पे साफ है स्नो, वहाँ पे बिल्कुल सामने एक वाटरफॉल है, ऊपर से बर्फ आ रही है पिघलती हुई, और सिर के ऊपर बिल्कुल सूरज है, और सामने है पहाड़, खुश्क पहाड़ हैं, और ऊपर उनके ऊपर बर्फ जमी हुई है। दिखा देता हूँ आपको, बहुत मज़ेदार व्यू है। और जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि मनाली पड़ता है कुल्लू ज़िले में और कोकसर पड़ता है लाहौल स्पीति में। तो एक तरफ जब टनल से बाहर आते हैं, एक तरफ लाहौल आता है और राइट साइड पे स्पीति आता है, स्पीति वैली, तो वहीं पे ये सारी एक्टिविटी होती है। तो जल्दी जल्दी प्लान बना लो मनाली का। यहाँ पर आने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप आ सकते हैं अपनी बाइक रेंट करके, उससे आ सकते हैं, या फिर प्राइवेट कैब से आ सकते हैं टैक्सी लेके, या फिर बस भी आती है। बट सबसे अच्छा है कि आप अगर दो लोग हैं, चार लोग हैं, तो दो बाइक ले सकते हैं, या फिर एक गाड़ी रेंट कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। साथ ही जिस होटल में रुकते हैं, होटल वाले भी एक ट्रैवलर का अरेंजमेंट करा देते हैं, जिसमें होटल के सारे लोग बैठ के यहाँ पे आ सकते हैं। मैं आया हूँ होटल के ट्रैवलर से, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। तो बढ़िया है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे दो एक घंटा हम रुकेंगे, फिर वापस जाएंगे अटल टनल की तरफ, फिर सोलांग वैली। और चारों तरफ बर्फ होने के बावजूद यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही है। कल यहाँ पे बारिश थी, आज यहाँ पे गर्मी है। जो ऊपर की बर्फ होती है पहाड़ों की, वो तो पिघलती है बारिश से, और जो पहाड़ों पे नीचे बर्फ होती है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है और धरती का टेम्परेचर और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, तो नीचे वाली बर्फ जो है पिघलने लगती है। अभी थोड़ा सा घूम लेता हूँ और वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा, बाकी आगे चलेंगे फिर वहाँ पे घूमेंगे। और स्नो के बीच में आपको मैगी, ऑमलेट और कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय करने के लिए ये दीदी यहाँ पे मिलेंगी। बहुत मेहनत करके ये लोग सामान लेके आते हैं मनाली से और यहाँ पे आके सेल करते हैं। तो मैंने अभी एक कोक ले ली है, मैगी बनने के लिए ऑर्डर दिया है दीदी को। अभी जब तक मैगी बनेगी तो हम लोग वेट करेंगे। ये एक कोक, इसको ठंडा करने का मैं आपको इंतज़ाम बताता हूँ कि कैसे ठंडा की जाती है। यहाँ पे ऐसे थोड़ी सी बर्फ खोदनी है आपको और फिर उसके अंदर इस कोक को लगाना है। 5 मिनट में आपकी जो कोक है वो ठंडी हो जाएगी। ये लगा दी है अपनी कोक और ये ठंडी होएगी। और इनका भी रेफ्रिजरेटर इसी टाइप का होता है, स्नो में रखा हुआ है पानी, थम्सअप, कोल्ड ड्रिंक, और यहीं पे आपको ठंडी मिलने वाली है कोल्ड ड्रिंक। साथ में मैगी बन रही है, मैगी खाएंगे। ये मैगी आ गई अपनी, 60 रुपये कीमत है इसमें, जिसमें ये वाली दो मैगी डाली जाती हैं, और 20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक है वैसे, 10 रुपये यहाँ पे इतनी दूर लाने का बनता भी है, 40 में बिकती है वैसे, तो यहाँ पे 10 रुपये डिस्काउंट पर मिल रही है, ये समझ लो 30 में। और दो पैकेट मैगी के अगर हिसाब लगाया जाए ना तो 28 रुपीज़ के, एक मसाला एक्स्ट्रा डाला कितना रुपया हो गया, 33, ठीक है। और प्लेट भी लगी, चम्मच भी लगी, और ये लोग जगह को साफ भी रखते हैं। 60 रुपये कीमत है मात्र, केवल इतनी ऊपर आपको मैगी खाने के लिए मिल रही है 60 रुपये में दो पैकेट, तो मेरे हिसाब से तो बहुत सस्ती है। बट यहाँ पे पता है लोगों की मेंटालिटी ये है आने वालों की, कि जो खिला रहा है मैगी, बेच रहा है, सेल कर रहा है, सफाई करने का ठेका केवल उसने लिया है, लोग खाएंगे यहाँ फेंक जाएंगे। अगर आप समझदार हैं, अगर आप अपने घर में भी ऐसी गंदगी मचाते हैं, तो यहाँ पे आके गंदगी मचाइएगा, अदरवाइज सफाई करिएगा। तो अभी नाश्ता भी नहीं किया था सुबह, तो मैगी यहाँ पर खा ली 60 रुपये की, और एक 30 रुपये की कोल्ड ड्रिंक पी, पेट एकदम फुल भर गया। अभी स्नो पे घूम रहा हूँ और एक बार ट्यूब लाइट करना है, फिर जाऊँगा वापस अटल टनल। मैं तो नहीं करने वाला ट्यूब स्लाइड, क्योंकि इतनी लंबी भीड़ में वेट करने का मतलब है कि 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, और बस मेरी जाने वाली है 2 बजे, और अभी 1:30 बज चुका है। ये देखिए सड़क के किनारे पे कितनी कितनी बर्फ बनी हुई है, और ये ग्लेशियर जो है इस टाइम पिघल रहा है, क्योंकि धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना, इसलिए। ऐसी जगह पे आने के बाद आपको ये ख्याल रखना है कि सनस्क्रीन लगा के आना है, ताकि सनबर्न ना हो, और दूसरा हाइड्रेटेड रहना है, पानी की बोतल लेके आइएगा, पानी पीते रहिएगा, उससे आपको ड्राइनेस नहीं आएगी, ठीक है। अब वापस जा रहे हैं अपने ट्रैवलर के पास, जाएंगे अटल टनल में, और यहाँ पर केवल जियो का नेटवर्क आता है, इसलिए आएंगे तो जियो का सिम पोर्ट करवा के आइएगा, या फिर एक जियो का सिम एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। Thank you.
अभी मैं आ गया सोलांग वैली पे, जहाँ से हम लोग जाने वाले हैं अंजनी महादेव, जहाँ पर आकाश गंगा से गंगा बहती है और शिवलिंग का अभिषेक करती है। इस जगह को हिमाचल का अमरनाथ भी बोला जाता है। और मैंने ये स्नो स्कूटर कर लिया है, पीछे एटीवी बाइक, इस पे बैठ के मैं जाने वाला हूँ ऊपर अंजनी महादेव के दर्शन करने के लिए। और सोलांग वैली में मैं आपको बता दूँ, सोलांग वैली में ही आप पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून, ये सारी एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो सोलांग वैली तो लिस्ट में ऐड करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सुंदर ये जगह है, मैदान बना हुआ है, जहाँ से आपको हाई फ्लाई करवाते हैं 3500 में और 1000 रुपये में लो फ्लाई करवाई जाती है। और सोलांग वैली में ही आप लोग याक राइडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे याक खड़े होते हैं, उन्हीं के ऊपर बैठ के आप सैर कर सकते हैं। एक बार दिखा देता हूँ मैं आप सभी, थोड़ी आगे तक ही लेके जाते हैं, 300 रुपये चार्ज होता है इनका, थोड़ा दूर अंदर वाटरफॉल तक, झरनों तक लेके जाते हैं। अगर आप सोलांग वैली जब आप सोलांग वैली आएंगे तो यहाँ पे याक राइडिंग भी कर सकते हैं, इसको भी लिस्ट में आप लिख लीजिएगा। अभी हम जाते हैं अंजनी महादेव और जाकर करते हैं महादेव के दर्शन। तो बोलिए हर हर महादेव, ऐसे ही कमेंट में एक जयकारा लगा दीजिएगा हर हर महादेव का। मिलते हैं अंजनी महादेव में। अभी हम लोग अपनी एटीवी बाइक से नीचे आए और थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद पहुँचेंगे अंजनी महादेव पे। अंजनी महादेव इसलिए नाम पड़ा क्योंकि माता अंजना जी ने, जो कि हनुमान जी की माता जी हैं, उन्होंने यहाँ पर वर्षों तक तप किया था और हमारे सप्त ऋषियों ने उनको पंचाक्षर मंत्र का ज्ञान यहीं पर दिया था, इसलिए इसको बोला जाता है अंजनी महादेव। अभी हम जा रहे हैं अंजनी महादेव के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे नदी बहती है, ऊपर से आती है पहाड़ों में से, और बहुत ही अच्छा व्यू है और बहुत ही अच्छा नज़ारा है, यहाँ पे आना बनता है। तो अभी हम लोग उस जगह पे खड़े हैं जहाँ से अंजनी महादेव की चढ़ाई शुरू होती है, मतलब कि हम लोग एटीवी बाइक से नीचे आए थे और ये सारे लोग गुजरात से आए हैं, इन्होंने मुझे देखा तो बोला रुको हम भी वीडियो में आएंगे। बहुत अच्छा लगा सर आप। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये सब लोग बरोडा से आए हैं और सभी को पता है कि गुजरात के लोग कितने प्यारे होते हैं, कितने चटोरे होते हैं और कितने अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, तो इसलिए गुजरातियों के लिए जय हिंद, हर हर महादेव। अगर आपको महादेव को पाना है ना, तो ये ट्रैक तो कुछ भी नहीं है, क्या कहते हो सर? सही है। तो अभी पीछे मैं गया था, जब पीछे से आया तो हमें गुजराती फैमिली मिली थी, ये सर भी गुजरात से हैं और ये लोग आए हैं भावनगर से, जेठालाल की फेवरेट सिटी। तो सर जयकारा हो जाए एक बार, हर हर महादेव। ये सब लोग आए हैं गुजरात से और सभी को पता है गुजरात हमारे मोदी जी की सिटी है, और जैसा इस टाइम पे गुजरात है वैसा ही हमारा पूरा देश होना चाहिए। जय श्री राम। वो ऊपर से आती है आकाश गंगा। तो थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने जूते अपने उतार दिए हैं और सामने ही आकाश गंगा देखने के लिए मिलती है, जो अभिषेक करती हैं अंजनी महादेव का। सामने बहता है एक बहुत प्यारा सा वाटरफॉल, वो दिखा देता हूँ आपको। ये है नज़ारा यहाँ का, एक तरफ वाटरफॉल और एक तरफ विराजमान है हमारे अंजनी महादेव। तो अभी हम लोग वहाँ ऊपर जाएंगे टॉप पे, सारे में आपको स्नो देखने के लिए मिलेगी, अभी तो ये पिघलती जा रही है,
बट काफी मात्रा में यहाँ पे बर्फ देखने के लिए आपको मिलेगी। अब हम चलते हैं ऊपर अंजनी महादेव के दर्शन करने के लिए। तो अभी सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे हैं अंजनी महादेव के दर्शन करने के लिए। सीढ़ियाँ इतनी ठंडी हैं जैसे बर्फ के अंदर हमें लगा दिया हो या बिठा दिया हो, पर महादेव के दर्शन करने वहां नीचे से चल के हम लोग आए हैं और जाएंगे हम लोग वहां ऊपर। अंजनी महादेव पहुंचते ही सबसे पहले दर्शन करने के लिए मिलेंगे हमारे बजरंग बली के। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए अंजनी महादेव। मतलब यहाँ आके ना कुछ बोलने का मन ही नहीं करता, मेरे साथ हर बार ऐसी। पीछे भोलेनाथ विराजमान हैं, अंजनी महादेव, और ऊपर से बहती हैं आकाशगंगा। सबसे पहले शिवलिंग की खोज गुरुजी बाबा प्रकाश सिंह जी ने की थी, क्योंकि वो यहाँ पर तपस्या करते थे और उनको यहाँ पर मिला ये अंजनी महादेव का स्वरूप। और यहाँ पर खुद माँ अंजनी को भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए थे। और उसी से पहले सप्त ऋषियों ने पंचाक्षर मंत्र का महत्व बताकर अंजनी माँ को वरदान दिया था। तो अगर आप लोग हिमाचल का या फिर मनाली का ट्रिप प्लान करते हैं तो अंजनी महादेव को अपनी लिस्ट में टॉप पे रखिएगा। मुझे लगता है आज मैं अंजनी महादेव आया तो आज लाइफ के स्ट्रगल मेरे कम हो जाएंगे, क्योंकि भगवान की जटाओं में गंगा चंद्रमा सब देखने के लिए एक साथ मिल गया। और जब फरवरी और मार्च में यहाँ पर स्नोफॉल होता है तो आकाशगंगा पहाड़ से लेकर अंजनी महादेव तक टच हो जाती हैं और पूरा का पूरा स्नो का एक शिवलिंग यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जैसे अमरनाथ में होता है बाबा बर्फानी। इसलिए इस जगह को हिमाचल का अमरनाथ बोला जाता है। तो जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज कॉमेंट में एक बार हर हर महादेव का जयकारा लगा दीजिएगा। बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। हम लोगों ने पहले कोकसर घूमा, फिर सोलांग वैली घूमा, फिर हम आए अंजनी महादेव के दर्शन करने के लिए। हाय मैम। तो यहाँ पर आएंगे जब आप अंजनी महादेव के दर्शन करने के लिए तो आपका मन ऐसे करेगा कि आप लोग यहाँ पर बस जाएं। और हम लोगों का नसीब इतना अच्छा था कि हमें मतलब बाबा की जटाओं में चंद्रमा भगवान के भी दर्शन मिले आज। तो यूजुअली तो ये नहीं मिलते होंगे, बट था नसीब, कुछ सोचा होगा भगवान ने तो दर्शन हुए। तो मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी को एक बार मिलवा देता हूँ जिनके साथ आज का सफर तय किया था। हम लोग गए थे कोकसर स्नो पॉइंट पे, सोलांग वैली और अटल टनल। तो सभी लोग हमारे साथ बैठे हैं और हम लोग अभी सब लोग घूम के आए हैं अंजनी महादेव, कोकसर और सोलांग वैली। तो क्या कहना है सर? तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। वापस आते हुए हम लोग रुके थे नेहरू कुंड पर, जिसका पानी गंगा गोदावरी जैसा पवित्र माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये पानी ऊपर भृगु लेक से आ रहा है, जिसका ट्रैक करने में 2 से 3 दिन लगते हैं। ऐसा बोला जाता है कि इस पानी को पीने से शरीर के कुछ रोग सही होते हैं, क्योंकि ये जड़ी बूटियों वाला पानी होता है। और नेहरू कुंड इसलिए रखा गया नाम क्योंकि नेहरू जी यहीं से जल मंगवाकर पीते थे, इसलिए इसका जो नाम है नेहरू कुंड रखा गया। और बराबर में ही एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, जहाँ पे ऐसे कहा जाता है हमारे सप्त ऋषियों में से एक ऋषि भृगु ऋषि हमेशा बैठकर वहाँ पर भगवान का तप करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। देखिए ये डे 2 का प्लान है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप फॉलो कर सकते हैं।